तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। संस्थापक गाजी मलिक ने 1320 से 1325 तक शासन किया। तुगलक वंश कराना तुर्क वंश के नाम से जाना जाता है। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का पिता बलवन का कराना तुर्की दास था। माता पंजाब की एक जाट थी। 3 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा गाजी काफिरों का घातक उपाधि धारण की। 29 बार मंगोलों से संघर्ष किया तथा उसे भारत से भगाने के कारण मलिकुल काजी कहलाया। अमीरों को भूमि वापस करवा दिया। अलाउद्दीन ने गाजी मलिक को सेनापति तथा बाद में दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। तुगलकाबाद नगर बसाया तथा तुगलक शैली इसके मकबरे से आरंभ हुआ। 1321 ईस्वी में पुत्र जूना खान को वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध भेजा, जिसमें वह असफल रहा। 1322 से 23 ईस्वी में सफल हुआ। वारंगल तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। 1324 में जूना खान ने जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। प्रथम शासक था सल्तनत काल का, जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए किया। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा शिष्टाचार पालन करने के लिए मुतसिब अधिकारी नियुक्त किया। छप्पनकोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जूना खां सुल्तान बना। 40 दिन तक तुगलकाबाद में पिता के शोक में रहा। तुगलक इसकी जानकारी बर्नी द्वारा रचित तारीख के फिरोजशाही तथा मोरक्को यात्री इब्न बबूता की यात्रा वृत्तांत से मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां की उपाधि दी गई। स्वप्नशील पागल तथा रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील पागल तथा रक्त पिपासु कहा जाता है। इब्न बबूता ने 1333 ईस्वी में दिल्ली तथा एमबीटी ने उसे दिल्ली में काजी नियुक्त किया। इब्न बबूता को 1333 में दिल्ली में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया तथा 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बबूता की रचना किताब उल रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई योजना चलाई जो असफल था। दोआब में कर वृद्धि जो अकाल एवं प्लेग होने पर फेल हो गया। राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाया, जिसका नाम दौलताबाद रखा। 1325 ईस्वी में पुनः दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया, जो वह भी असफल हो गया। सांकेतिक मुद्रा के रूप में सोने चांदी तांबा का मुद्रा चलाया, जिस पर अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह वाक अंकित करवाया, अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है। मोहम्मद बिन तुगलक को भागहीन आदर्शवादी कहा गया। खुरसान का अभियान त्रिमैत्री संगठन। मोहम्मद बिन तुगलक तरमासिन तथा मिस्र के सुल्तान खुरसान के शासक अबू सैयद के विरुद्ध था, जो असफल रहा। कराचिल अभियान
सल्तनत काल एवं चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था जो काफ़ी ठंड होने के कारण विफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के अनुसार संकट के समय किसानों के लिए दीवान ने कोही कृषि विभाग की स्थापना की। हल तथा बीज खरीदने के लिए कृषि ऋण दिया। उस्र तथा जकात को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिया। 1351 में थट्टा सिंध में मृत्यु हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का बदायूं ने कहा, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। हल तथा बीज खरीदने के लिए कृषि ऋण सौंदर्य दिया गया। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दो बार हुआ। 22 मार्च 1351 थट्टा सिंध में तथा अगस्त 1351 दिल्ली में भी हुआ। राजस्व एवं कृषि व्यवस्था। अकाल के समय किसानों द्वारा लिया धन माफ कर दिया। सूबेदार तथा सूबेदार द्वारा दिया जाने वाला भेंट प्रथा की समाप्त की कर दी। कार्य व्यवस्था। राज्य के आय प्रमाणिक विवरण ख्वाजा हिसामुद्दीन के द्वारा 6,78,00,000 टंका निर्धारित किया गया था। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। 24 प्रकार के कर समाप्त किए। सिर्फ 4 कर, खराज, भूमि कर, जजिया कर, जकात कर, दान संबंधी खुम्स, युद्ध संबंधी, इसके अतिरिक्त हक के सर्व नामक सिंचाई कर की दर 1/10 कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उलुग खानी एवं राजबाही नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया। उद्यान एवं कारखाना। आय में वृद्धि के लिए 1200 बाग फलों का तथा 36 शाही कारखाने लगवाए। सैन्य विभाग। दक्षिण भारत एवं दक्कन पर सैनिक अभियान का प्रयास नहीं किया। 2 बार बंगाल अभियान किया जो वो सफल रहा। 1360 में जाजनगर जगन्नाथ मंदिर को लूटा एवं 1365 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत की पांडुलिपियाँ प्राप्त किया। थट्टा में 2 बार 1362 तथा 1364 में सैनिक अभियान किया जो वह सफल रहा। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही एवं फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर की स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई विभाग की स्थापना की। दार उल सफा राजकीय अस्पताल, दीवान खैरात गरीबों के लिए दान विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निर्माण, दफ्तर ए रोजगार, अनुवाद विभाग, विचार एवं समझना, दीवान बंदगान दासों के लिए था। फिरोज शाह तुगलक के कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। आधा एवं बिक तांबा चांदी मिश्रित सिक्का चलवाया। आधा एवं बिक तांबा तथा चांदी मिश्रित सिक्का चलवाया। खुम्स में सैनिकों को 80% तथा राज के लिए 20% धन रखता था।
फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया। टोपरा का स्तंभ फिरोजाबाद के निकट तथा मेरठ का स्तंभ दिल्ली के कुश्क ए शिकार महल के सामने पुनः स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी तुगलक शाह द्वितीय था। अबू बर्क मोहम्मद शाह एवं नसीरुद्दीन महमूद शाह अयोग्य साबित हुए। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय समरकंद के शासक 1398 से 1399 आक्रमण कर साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। पुनः 1405 में तैमूर की मृत्यु के बाद दिल्ली आया। नसीरुद्दीन के समय दिल्ली से जौनपुर गुजरात एवं मालवा स्वतंत्र हो गया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है। एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तुगलक वंश के पतन का प्रमुख कारण मोहम्मद बिन तुगलक का महत्वाकांक्षी योजनाओं का असफल होना, फिरोज शाह तुगलक का जागीर तथा वंशानुगत पदों की घोषणा करना एवं दास प्रथा का आरंभ पतन का कारण बना। फिरोज शाह तुगलक का अयोग्य उत्तराधिकारी होना, मंगोलों का भारत पर आक्रमण करना, अमीरों का बढ़ता प्रभाव एवं षड्यंत्र, बिजला सीता पूर्ण जीवन।